ये दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती है। इस दुनिया की शुरुआत से ही हम सब कुछ ऐसी कहानियाँ सुनते आए हैं जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी का फील हुआ है। ऐसी ही एक कहानी है एंडीज माउंटेन की सच्ची घटना पर आधारित। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक का हमारे साथ। मेरा नाम हर्ष, आप देख रहे हैं फैक्ट जोन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंडीज माउंटेन में एक बहुत बड़ा एरिया है जो सिर्फ स्टोन से भरा हुआ है, जिसको स्टोन फॉरेस्ट कहते हैं। और इस स्टोन फॉरेस्ट में आपको कुछ ऐसे स्टोन देखने को मिलते हैं जिनको ध्यान से देखने पर आपको उनमें कुछ पैटर्न नज़र आएंगे, जैसे कि इंसानों का चेहरा, जानवरों का चेहरा। लोगों का मानना है कि वह पैटर्न उन स्टोनों में बनाया गया है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। स्टोन तकरीबन 10,000 साल पुराने हैं। जूलियस इटेलियो नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर इतनी सारी मिस्टीरियस खोजें की हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इनको इस जगह पे मम्मी भी मिली है। और जब यही सब चीज़ें लोगों में फैलने लगी तो लोगों को भी इस जगह पर आके देखने का मन किया और लोग इस जगह पर आने भी लगे। इसी के साथ साथ उनके साथ भी कुछ बहुत अलग अलग टाइप की पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते। और यही पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाती हैं कि यहाँ पे इंटरडाइमेंशनल ट्रेवल भी पॉसिबल है। डॉक्टर रॉल रियोस सेंटेरियो, जो कि एक डॉक्टर और पेशे से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हैं, उनके पास एक ऐसी पेशेंट आई जिसका आधा बॉडी पैरालाइज हो चुका था। डॉक्टर ने उसे पूछा कि तुम्हारा बॉडी कैसे पैरालाइज हुआ, और डॉक्टर ने उसका ब्रेन टेस्ट भी किया और जो रिपोर्ट आई तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था। फिर उस पेशेंट ने पूरी कहानी बताई और ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इसने कहा वो अपनी बाकी दोस्तों के साथ कैंपिंग कर रही थी और नाइट के टाइम वो फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रही थी कि अचानक उसे एक केबिन दिखता है, एक पत्थर से बना हुआ घर टाइप का, और उसके अंदर से नाचने और गाने की आवाज़ें आ रही थी। फिर पेशेंट उस केबिन में जाके देखती तो उसे पुराने ज़माने के लोग दिख रहे थे। फिर वो उसके अंदर जाना चाही और जाने लगी, और वो जैसे ही गेट के पास आई उसका बॉडी शक होने लगा, जैसे कोई उसे अब गेट के अंदर की तरफ खींच रहा हो। तभी उसकी फ्रेंड्स आई और उसे अपने तरफ खींचने लगी। इसी दौरान जो उसका आधा बॉडी था वो उस स्पेस टाइम की चलते पैरालाइज हो गया। ये शायद एक टाइम स्लिप की घटना थी, जहाँ पे टाइम स्लिप होने की वजह से उसे 17th-18th century के लोग दिखने लगे थे, और फीमेल आज तक रिकवर नहीं कर पाई। इस फॉरेस्ट का नाम है मार्कोवासी स्टोन फॉरेस्ट, और यहाँ का ये रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए।